हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्डी और गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लौकी का बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी और ना ही कभी खाई होगी और ना ही आपने इस रेसिपी का नाम सुना होगा। आप हमेशा लौकी की वही सब्जी या पकौड़ी बना करके थक गए हैं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिए। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और जो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं या जो जिनके घर में लौकी नहीं खाया जाता है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो लौकी खा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो आइए इस रेसिपी की बात कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीडियम साइज का लौकी लिया है, जिसे घिया भी कहा जाता है, और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक लहसुन की गांठ रख दी है और 4 से 5 मिर्च रख दिया है। तो इन सभी चीजों को मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। हम यहाँ पे लौकी, मिर्च और लहसुन को अच्छी तरीके से घुमाते हुए पका लेंगे, गैस पे सेक लेंगे। कोशिश करिए आप चिमटे का इस्तेमाल करिए, मैं अपने हाथों से इसे अच्छी तरीके से घुमा लूँगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च और लहसुन अच्छी तरीके से भुन गया है, तो इसे मैं गैस पे से उतार लूँगी और मैं जो ये लौकी है इसे मैं थोड़ी देर के लिए और भूनने दूँगी, ताकि अच्छे से ये भुन जाए और अंदर से ये पक जाए। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि लौकी भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है। तो अब मैं इस स्टेज पे फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुनी हुई लौकी, मिर्च और लहसुन अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसका स्किन अच्छी तरीके से स्क्रेप करूंगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे पीलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे नाइफ से ही अच्छी तरीके से स्क्रेप कर लीजिए। ये देखिए मैं किस प्रकार से कर रही हूँ। हम इस लौकी का जला हुआ जो स्किन है वो अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। और ये लीजिए, भुनी हुई लौकी का स्किन हमने अच्छी तरीके से निकाल लिया है। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ, क्योंकि हमें इसे वॉश करना है। और साथ ही में जो लहसुन हमने भुना था उसका भी स्किन हम निकाल लेंगे। जब लहसुन भुन जाता है तो उसका स्किन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, ये देखिए किस प्रकार से। और साथ ही में जो ये मिर्च है ना, इसका भी हम भुना हुआ जो पार्ट है हल्का सा हटा देंगे। और ये लीजिए, लौकी को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी, ताकि हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकें। ये देखिए अंदर से अच्छी तरीके से पक गया है, तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। लौकी को कट करने के बाद मैं इसे एक मिक्सर जार में डाल दूँगी। लौकी को मिक्सर जार में डालने के बाद अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करूंगी और इसे मैं हल्का सा दरदरा पीसूंगी। बहुत ज़्यादा फाइन प्यूरी नहीं बनाना है हमें, हल्का सा दरदरा रखना है। तो आइए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये लीजिए, भुनी हुई लौकी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गई है। कुछ इस प्रकार से हमें दरदरा रखना है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी मैथड है आप इसे हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लहसुन और मिर्च मैंने भुना था इसे हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। तो फाइनली अब मैं आपको भुने हुए लौकी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब। सरसों का तेल डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरीके से गर्म करूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के करीब जीरा। हमने यहाँ पे साबुत जीरा का इस्तेमाल किया है। जीरा को हम अच्छी तरीके से फूटने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हींग चुटकी भर के करीब। हींग और जीरा अच्छी तरीके से भून गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। हमने यहाँ पे लगभग 3 बड़े प्याज को अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर लिया था, तो इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही हम इसे पकाएंगे। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरीके से भून गया है, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हल्का सा इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही करना है। तो अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। तो मैं इसमें भुना हुआ लहसुन और मिर्च ऐड करूंगी, जिसे मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था। तो 2 बड़े चम्मच हमें इसमें ऐड करेंगे। तो साथ ही में हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी, ताकि मसाले भी अच्छी तरीके से प्याज के साथ पक जाए।
और ये लीजिए मसाले अच्छी तरीके से प्याज के साथ भून गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, तो इस टमाटर को हमें अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ढक करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। सभी चीज़ों को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और इसमें से ऑयल निकलना भी शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी हमारी ग्राइंड की हुई लौकी। भुनी हुई लौकी को डाल करके हम उसे भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। सब्जियों के साथ भुनी हुई लौकी को हमने यहाँ पे 2 मिनट लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब, और अब मैं फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। तो ऑलमोस्ट लौकी की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। तो अब मैं इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच के करीब घी। घी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से फिर से पकाऊंगी लगभग 1 मिनट के लिए। सो फाइनली लौकी का भरता बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र करती हूँ एक बोल में, और इसे मैं थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ। और ये लीजिए गाइस, लौकी का एकदम टेस्टी सा भरता बन करके तैयार है। तो आप इस भरता को चावल या पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी। सो गाइस, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज़ किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपके लिए और भी नई नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप देखते रहिए गोल्डीज़ किचन। बाय बाय।